हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नेक्स्ट वीडियो। फ्रेंड्स, हम आज के लेक्चर में बात करने वाले हैं कि मुगल सम्राट के जो शासक थे, शासक और एवं उनके मकबरे को याद करने की थीटिक लेकर आ चुके हैं। अगर आपको शासक और मकबरे को याद करने में परेशानी होती है तो आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो आइए ट्रिक जान लेते हैं कि तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप बता दूँ, यदि आपने अभी तक हमारी पिछली वीडियो नहीं देखा है, जैसे कि हमने 100+ ट्रिकी जीएस इसी टाइप के हमने वीडियो अपलोड की, यदि आपने नहीं देखा तो आप हमारे चैनल की वीडियो देखकर देख सकते हैं। आप इसके लिए फ्री में, आपसे कोई चार्ज नहीं ले रहा हूँ। तो आई फ्रेंड जान लेते हैं हमारी ट्रिक क्या। देखिए आप फ्रेंड, लिखा हुआ है, लिखा लिखा है कादी सिलाराबाद। क्या लिखा हमने? कादी सिलाराबाद। आगे क्या लिखा है? बादशाह। क्या लिखा है? बादशाह। लिखा है कादी सिलाराबाद। देखिए लिखा है कादी, फिर आगे लिखा है सिलाराबाद। काश हो जाएगा काबुल, तीस हो जाएगा दिल्ली, सी से हमारा हो जाएगा सिकंदरा, लास हो जाएगा हमारा लाहौर, रास हो जाएगा हमारा आगरा, बाद से हो जाएगा हमारा औरंगाबाद। तो आगे देखिए अब क्या लिखा है यहाँ पे, बादशाह, बी से हो जाएगा हमारा बाबर। जो हमारा बाबर था, बाबर का हमारा मकबरा हमारा काबुल में था। आपको देखिए हमने क्रम से बता रहा हूँ मैं आपको। एच से हो जाएगा हमारा हुमायूं, हुमायूं का जो मकबरा तो हमारा दिल्ली में था। देखिए ए से हो जाएगा हमारा अकबर, अकबर का मकबरा हमारे सिकंदरा में था। बाद में जे जे से हो जाएगा जहांगीर, जहांगीर का मकबरा हमारे किस में था? लाहौर में था। और एस हो जाएगा हमारा शाहजहाँ, शाहजहाँ का मकबरा हमारे आगरा में था। एच हो जाएगा हमारा औरंगजेब, और औरंगजेब का मकबरा हमारा औरंगाबाद में था। तो मुग़ल सम्राट के शासक क्रम से और उनके मकबरा सहित हमने देखे टिक बना लिए कादी सिलाराबाद बादशाह। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इनते मिलते नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप फर्स्ट विजिट करें तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर ही दीजिएगा और दोस्तों जरूर से, ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक सो मच।